पर्पज है स्कूल का याद रखे। अब याद रखिए, नॉलेज कौन देता है आपको स्कूल के अंदर, आप नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं? बेसिकली टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं कई जगह, जहाँ आप मदरसा जैसा रहता है, जहाँ लोग मदरसा ही स्कूलिंग है, रेसिडेंशियल स्कूल में आपके साथ रहते हैं टीचर, मेंटरशिप करते कभी कभी, उठाते भी है, सुलाते भी है, जगाते भी है, सिखाते भी है, डांटते भी है, मोहब्बत भी, वो मेंटरशिप होती है, थोड़ी सी अलग होती है। उसको बोलते पहले जमाने में उस्ताद और शागिर्द बोलते थे उसको, वो आदमी जो तीर लेकर जानवर कैसे मारना भी सिखाता था, फिर उसको पकाना कैसे सिखाता, साथ बैठकर खाता भी था। जनरली टीचिंग में क्या होता है, बोलते ऐसा लेना, इतना खींचना, इतनी स्ट्रेंथ लगाना, ऐसा छोड़ना, तो जानवर ही हो जाएंगे, लेकिन आपको जाकर प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे। मेंटरशिप थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ टीचरशिप होता है, याद रखिए, ऊंचा होता है। फिर आपको प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं, याद रखिए। तो बेसिकली आपको, आप स्कूल में तो टीचर्स ही सिखाते हैं आपको, याद रखिए। तो टीचर्स बेसिकली आपको क्या करते हैं, वो चीज हासिल करने में, एक्वायर करने में मदद करते हैं जो पर्पस के लिए आपको यहाँ डाला गया। एजुकेट करते हैं आपको, नई चीजें सिखाते हैं, आपके लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सारी चीजें जो आपको चाहिए याद रखिए वो करते हैं, याद रखिए आपके लिए। तो ये चीज हमको समझ में आना चाहिए, याद रखिए, ठीक। अब सवाल ये है, किसी भी इंसान को डिसरिस्पेक्ट करके उससे कुछ आप सीख सकते हैं? किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट करके उससे आप कुछ बेनिफिट ले सकते हैं? नहीं कभी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आप एक मैकेनिक के पास गए आपकी गाड़ी बनाने, हो सकता अभी नहीं होंगे लेकिन आपके फादर के साथ जाते होंगे आप, जो भी है मेरा, मतलब आप चलाते नहीं, मीनिंग ये मेरा बोलने का, तो आप ज्यादा गैरेज जाते नहीं हो लेकिन आप जा रहे गैरेज पर, उससे सर्विसेज ले रहे हैं अगेंस्ट सम पेमेंट। मतलब आपने कहा ये गाड़ी बनाना है, उसने आपको चार्जेस कोट किया कि 100 रुपीज लगेंगे इसके रिपेयर मेंटेनेंस के लिए और आपको देना है। अब आप देखिए उससे काम करवा रहे हैं, 100 रुपीज की बात है और आप 100 रुपीज फेंक के देते, चल ले ऐश कर, रख तेरा घर चल जाएगा इससे, हमारा काम ही है लोगों को बांटते रहना, यही काम के लिए तो हम पूरे शहर में घूमते हैं। अब बताइए वो 100 रुपीज लेके आपको सर्विसेज सही देगा क्या? अगर देगा भी तो सही देगा क्या? पहले तो देगा क्या, बेसिक क्वेश्चन है। वो सीधे से बोलते गाड़ी लो, उठाओ और कहीं भी जाओ, 100 यहाँ मैकेनिक है लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो ऐसा लूँ आपसे पैसा। आप बोलेंगे बात तो तय हुई थी ना, 100 रुपीज में 100 रुपीज दे रहा हूँ, लेकिन क्या चीज की वजह से वो हर्ट हो रहा है बताइए मुझे? आपका वे 100 रुपीज देने का तरीका उसको हर्ट कर रहा है, प्रॉब्लम ये है। आप कुछ भी वो नहीं कर रहे, डील यही हुई थी ना 100 रुपीज में गाड़ी को मेंटेन करके देगा, बट आप कैसे दे रहे हैं उसको 100 रुपीज? ऐसा तो आप उसको 1 लाख रुपीज भी देंगे ना, उसकी डिग्निटी हर्ट होती है तो आपको वो नहीं देने वाला जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को? तो जिंदा रहना असल नहीं जिसको बोलते हैं, एक डिग्निफाइड लाइफ, एक इज्जत वाली जिंदगी होना, ये असल होता है। आपसे अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, आगे बोल रहा हूं और क्या चल रहा, बहुत होशियारियां कर रहे तुम लोग, आओ बताता तुमको अब मैं, तो आप लोग ऐसे नहीं आके बैठते थे, कुछ लोग आस्तीन तो नहीं आप लोगों को, लेकिन आस्तीन नहीं भी तो पैसे चढ़ा के आते थे, समझे ना? अब देखते क्या बोलते हो, ऐसा बोलते किसी को, तो ये होता है। तो डिसरिस्पेक्ट करने से आप किसी से कुछ भी गेन नहीं कर सकते, इवन दो आप सर्विसेज उससे पेमेंट करके लिए, इवन दो वो आपसे मजबूर हो, इवन दो आपका नौकर भी हो, तो वो थोड़े दिन के बाद आपके पास काम नहीं करेंगे, चले जाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? तो जब हम एक इंस्टीट्यूशन में है, जो स्कूल बोलेंगे, जब आपका पर्पस यहाँ आने का एक्वायर लर्न, एजुकेशन को एक्वायर करना, लर्न करना, लिटरेसी गेन करना है, वो आपका यहाँ मकसद है, जो आपको वो दे रहा है वो आपका टीचर है, तो पता चला एक इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाने वाले लोग, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ, इन्हीं से आपका पाला है, ये लोग आपको सिखा रहे हैं, तो ये सब लोग भी आपसे रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तभी आप उनसे वो गेन कर पाएंगे, याद रखें, जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हैं। मैंने एग्जाम्पल गैरेज वाले का दिया, तो और एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं, याद रखें। आप समझ, इवन तो देखिए आप कितने बड़े भी आदमी हैं, लोग जनरली मेरे पास आते हैं, मुझे तो सवाल कुछ भी करते हैं लोग, तो एक आदमी से सवाल करने लगा, इतना वेटिंग टाइम लगता है आपसे मिलने के लिए, महीनों महीनों कॉल के लिए आपसे टाइम लगता है, बात करने अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, आप किसके लिए वेट करते हैं? मैंने कहा मैं भी वेट करता हूं, मेरे बार बार के पास जाके मुझे आधा घंटा बैठना पड़ता है नंबर लगा कटिंग के लिए, वो थोड़ी घर पर आके करेगा मेरी, वहाँ है हमारे गोश्त वाले के पास नंबर लगा खड़े रहना पड़ता हमको, जब नंबर आया जब होता, नान लेने जाओ तो उसके पास नंबर लगा खड़े रहना पड़ता, उसके बगल में वहां थोड़ी को मेरे चेहरा देख के बोलेंगे आप आ जाओ लाइन तोड़ के आपको पहले दे दूंगा, आप समझ रहे बात, खड़े रहना पड़ता। तो हर आदमी याद रखे, हर आदमी वो करता है, तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं, तो हम लोग भी जो इंस्टीट्यूशन में आए हैं जिसको स्कूल बोलते हैं और उसमें टीचर्स होते हैं, ये दो चीजों को आप रिस्पेक्ट करेंगे तो आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है आपके पास। लेकिन जनरली ऐसा होता है जब हम कॉलेज स्कूल लाइफ में होते हैं ना, ये चीज समझ में नहीं आती, बिल्कुल जिंदगी ऐसी होती है, जब यहाँ से निकल के आप कॉलेज लाइफ में जाएंगे और जब कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा,
जब आप परेशान होंगे कि एटलीस्ट कोई मुझे गाइड कर देता, कोई तो मुझे बोलता कि रुक जाओ, कोई तो मुझे बोलता ऐसा क्यों कर रहे हो, तो शायद अच्छा होता, मेरी लाइफ चेंज हो जाती। आप समझ, स्कूल में आप आ रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ की रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कोई भी सिस्टम के अंदर इसका पार्ट है, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत करे, इवन दो वो आपसे चार्ज करते हैं, बट फिर भी ये सर्विसेज नहीं काउंट होगा कभी भी, याद रखें। इवन दो वो आपसे बेनिफिट लेते हैं, बट ये बेनिफिट अगर आपको लेते हैं तो आपको कुछ देते हैं, आपसे कुछ लेते हैं। दुनिया में सिस्टम ऐसे ही चलता है ना, आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं काम करते होंगे या किसी के ना किसी के लिए काम करते होंगे, है ना, ऐसे ही होता है। तो गिव एंड टेक का सिस्टम तो पूरे वर्ल्ड में, तो आप हर कोई ये सोचेंगे अगर मैं कुछ देता हूं तो मैं उनके साथ कैसा भी सलूक करूंगा, तो फिर दुनिया एक बुरी जगह हो जाएंगे रहने के लिए। बल्कि आप एक रिक्शे में बैठकर जा रहे हैं, वो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, तब भी आप उसको सलाम करके रिस्पेक्टफुली बैठते हैं, उतरने के बाद शुक्रिया जनाब आपने थोड़ा कुछ पैसे देते हैं, वो देखिए कितना खुश हो जाएंगे। और वहीं आप बोल रहे सर्विसेज दे रहा, पैसे दे रहे उसको, चला भाई सीधा चला, पीछे से टप्पू दे दे रहे उसको, तो फिर वो कैसे चलाता आपको बताए, फिर कहाँ ले जाके छोड़ता आपको बताए, जहाँ गली में रिक्शा आता वहीं बोलता अंदर नहीं जाता, क्या करते कर लो, यहाँ तक लाए उतर जाओ। और वहीं आप रिस्पेक्टफुली बात कीजिए, वो घर तक ले जाता है, सामान भी उतार के रख देता है, बोलता है इतनी अच्छी बात किया। तो ये होता है, तो एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए आपको वो हर चीज का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो आपकी इस चेन और सिस्टम का पार्ट है, जिसके थ्रू आप क्या अक्वायर करते हैं, नॉलेज, आप लर्न कर रहे हैं। तो इस चीज को आप जो है जहन में रखिए, याद रखिए, और जैसा आप डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट आपको हर जगह की जाए, वैसी आप हर किसी को रिस्पेक्ट दे अपने लाइफ में, जो कोई आए, और जितना जो आपकी लाइफ को ज्यादा इन्फ्लुएंस करे उतना ज्यादा रिस्पेक्ट उसको दीजिए आप, ठीक है। ये बात को आप समझिए बेसिकली, ठीक। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में काम करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सब आपके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।